हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 13,000 और फिर 13,500 फॉरन। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो मैं अपने फेसबुक पे भी अब डालता हूँ पेज पे, तो फेसबुक के पेज को भी प्लीज आप सब लाइक कीजिएगा। अब्दुल गफ्फार डॉन न्यूज पे जाइएगा फेसबुक पर और वहाँ पेज को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आपको पता है अपडेट्स में यहाँ दिन में एक दो दफा देता हूँ, लेकिन वहाँ जो प्रेस रिलीज आती है, जो खबर आती है, वो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो प्लीज आप उस पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए, आपकी मालूमात में इजाफा होता रहेगा। तो जरा पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट कल हो रहे हैं, और उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि वेस्ट इंडीज स्टेट बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले ये तस्दीक कर दी कि उनकी टीम आज शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी, लेकिन कोविड टेस्ट पर उन्होंने फिर कहा कि वो आज किसी वक्त बताएंगे, यानी कि खामोशी। हमारी इलाके के मुताबिक 1 से 2 टेस्ट पॉजिटिव है वेस्ट इंडीज टीम। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो उनके लिए विश देम ऑल द बेस्ट कि वो ठीक हो जाए, बट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड लगता है कि आज शाम या दोपहर तक ही इस बारे में कोई हतमी तौर पर आगाह करेगा। बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट जनाब, और इस बार के ड्राफ्ट तो बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिटेंशन तमाम टीमों ने ज्यादा की है। 4 टीमों ने 8-8 रिटेंशन की, आपको पता है। और अगर हम देखें मुल्तान और कोयटा तो उन्होंने 7 की हैं, जबकि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर ने पूरी 8 रिटेंशन कर ली हैं। और अब पिक ऑर्डर भी मेरे हाथ में मौजूद है। आप सबको पता है कि लाहौर करंदस की जनाब पहली पिक है, मुल्तान सुल्तान की दूसरी पिक है, कराची किंग्स की तीसरी पिक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी पिक है, पेशावर जलमी की पांचवी पिक है और कोयटा ग्रेडियर की छठी, उसके बाद फिर बाकी ऑर्डर फॉलो होंगे। सो जनाब कौन पहली पिक में क्या पिक कर सकता है, अगर आप देख लें तमाम ये लिस्ट उठाकर, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद की तमाम टीमों की प्लेटिनियम में 1-1 पिक बाकी है, लाहौर और पेशावर के अलावा सबकी डायमंड में भी 1-1 पिक बाकी है। इसी तरह इस्लामाबाद और कराची की गोल्ड की कोई पिक नहीं है, लाहौर की 3 पिक्स बाकी हैं, पेशावर की भी 1 वहां मौजूद है डायमंड में, गोल्ड में। सिल्वर में तो जनाब आपको पता है ज्यादा हायरिंग और ज्यादातर ये चेंजेस होते हैं, तो इस्लामाबाद की 4 वहां पे पिक्स बाकी हैं, कराची की 4 बाकी हैं, लाहौर की जो है वो 2 बाकी हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो पेशावर और कोयटा की भी 2-2 बाकी हैं, और इमर्जिंग तो आपको पता है हमेशा 2 होते हैं, और इसी तरह सप्लीमेंट्री भी आप 2 ले सकते हैं। तो जनाब लाहौर कलंदर पहले पिक क्या करेगा, डेट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी अगर हम लाहौर कलंदर को देखें तो राशिद खान और शाहीन शाह अफरीदी उनके पास बहुत प्लेटिनियम कैटेगरी मौजूद हैं, तो एक और वो पिक कर सकते हैं, तो आई थिंक शायद वो फखर तमान पे वापस जाएंगे। जबकि प्लेटिनियम के अंदर हमारे पास ऑप्शन जो है वो याद रखिएगा कि हर टीमों के डिफरेंट सोचना पड़ेगा, लेकिन डेविड विलर हैं, कार्लोस ब्रैडफर्ड हैं, क्रिस गेल हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, कॉलिन मुनरो हैं, कॉलिन ग्राम हैं, डेविड विली हैं, उदाना है, जैसन रॉय हैं, इसी तरह संदीप लमिचाने हैं, शर्मन हेटमायर हैं, तबरेज शमसी हैं जो कि बड़ा ब्रीफली अवेलेबल हैं, तिशारा परेरा हैं, टॉम बेंटन हैं और फिर टाइमल मिल्स हैं। तो जनाब लोग भी कह रहे हैं, मेरा भी अंदाजा है कि शायद फखर जमान को लाहौर दोबारा पिक कर सकता है, और अगर वो पिक नहीं करते सूरत में तो फिर आप देख लें कि जो बाकी, बल्कि एक चीज़ और भी है जो देखना पड़ेगी कि क्या कोई राह ऐसी निकालते हैं वो, चूंकि आपको पता है कि 1-1 प्लेटिनियम की पिक बाकी है, तो आप ही ख्याल में लाहौर पहले पहले किसको पिक करेगा, और दूसरा ये कि उसके बाद नंबर 2 पिक बनती है जनाब मुल्तान सुल्तान की, तो क्या जैसन रॉय को पिक करेंगे, क्योंकि उनको एक अभी ओपनिंग बैट्समैन जेम्स विंस की जाने के बाद चाहिए है। और इसी तरह अगर हम देखें तीसरी पिक जनाब कराची किंग्स की, तो कराची किंग मेरे ख्याल में टाइमर मिल्स या क्रिस जॉर्डन पे जा सकता है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मजबूत करना चाहेंगे। इसी तरह चौथी पिक जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड किसकी तरफ जाएगा जनाब, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में वो भी कॉर्नर मुनरो पे वापस जा सकते हैं। इसी तरह पेशावर जलमी को ऑब्वियसली फखर जमान मिल जाए तो क्या ही बात है, मेरी भी ज़ाती ख्वाहिश है, बट पता नहीं उस वक्त तक वो रिटेन होंगे लिस्ट में नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पिक हो जाएंगे, बट अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फखर जमान बहुत बड़ी आइडियल चॉइस है। बाकी स्पिनर्स उनको चाहिए तो माइट भी के हम देख लें कि उदाना या तबरेज शमसी या उदाना में से कोई एक जो है वो स्पिनर, संदीप लमिचाने ही वाला ऑप्शन मौजूद है, और कोयटा ग्लेडिएटर्स तो मुझे लगता है कि शर्मन हेटमायर के ऊपर जाके अपनी बैटिंग को मजबूत करना चाहेंगे फॉरन प्लेयर को उठाकर, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी प्लेयर पहले ही बहुत ज्यादा है। तो ये मेरी एक रफ सी ओपिनियन है इन तमाम कैटेगरीज पर, आप सबकी क्या राय है मेरी बात को छोड़िए जनाब, बस आप ये बताएं कि अगर आप लाहौर कलंदर के फैन हैं आपकी टीम को पहली पिक क्या करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर हैं तो
तो मुल्तान को पहली पिक क्या करनी चाहिए, इसी तरह कराची के आप सपोर्टर हैं तो तीसरी पिक उनकी है, उनको पहली पिक क्या करनी चाहिए, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पेशावर जर्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स। अच्छा आप सबको रूल्स तो पता ही है, लेकिन चले मैं रूल्स दोबारा बता देता हूँ ताकि आप सबको दोबारा से रिकॉल हो जाए। आपको बताया कि फ्रेंचाइज 18 प्लेयर्स का इंतखाब कर सकते हैं, प्लैटिनियम डायमंड और गोल्ड कैटेगरीज में तीन तीन पिक्स जो है वो मौजूद हैं जी। तो मैं आपको बता रहा था कि तमाम फ्रेंचाइज 18 प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, तीन प्लैटिनियम में, तीन डायमंड में, तीन गोल्ड कैटेगरी में, पांच सिल्वर में, दो मर्जिंग और दो सप्लीमेंट्री पिक। और इस बार राइट टू मैच का ऑप्शन भी है, जिसके लिए पीसीबी कहता है द पीसीबी हैज इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू मैच कार्ड। दिस मीन ईच साइड विल हैव वन सच कार्ड दे कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग द ड्राफ्ट टू पिक अ प्लेयर ओरिजिनली रिलीज फ्रॉम देयर रोस्टर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके अपने रोस्टर से जिस प्लेयर को आपने रिलीज किया है, आप राइट टू मैच के साथ उस खिलाड़ी को दोबारा पिक कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राफ्ट। नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग। और इसी तरह आपके सामने सारे पिक्स मौजूद हैं, तमाम टीमों की पिक्स के बारे में आप जानते हैं। आपके ख्याल में किस टीम की सबसे तगड़ी पिक हुई है जनाब, ये भी मुझे बता दीजिए। वैसे 3 बजे का ड्राफ्ट शुरू होगा और 425 प्लेयर हैं 32 ममालिक से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो मुझे तो लगता है जनाब के पेशावर जलमी के वो प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, यानी कि चर्फिन रदरफोर्ड, लियाम लिविंगस्टन, साकिब महमूद, ये तमाम ही इस साल जाइंट्स और मोर पावरफुल होके उभर के आए हैं। इसी तरह हैदर अली एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, उनके पास टॉम कोलर कैटमोर बहुत अच्छे अभी T10 के अंदर फॉर्म थी। तो मुझे लगता है कि पेशावर जलमी ने जो लास्ट टाइम इन्वेस्ट किया था उसका फल वो खाएंगे, क्योंकि ये तमाम प्लेयर बहुत तगड़े हो गए हैं और एक अच्छी पोटेंशियल फ्यूचर पिक्स थी जिनकी वजह से पेशावर जलमी को बहुत अच्छी रिटेंशन मिली है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बाकी टीमों की, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस बार कुछ हिकमत अमली तब्दील की है, यानी कि हुसैन तल्लत भी चले गए उनकी टीम से, इफ्तिखार अहमद चले गए, तो अपनी कहीं ना कहीं कोर ग्रुप से वो लोग बाहर निकले हैं। बट उनके पास भी एलेक हेल्स मौजूद हैं और कॉनर मुनरो को शायद वो वापस देना चाहेंगे। मोहम्मद रिजवान, राइली रोसो मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि एक और पिक जो मुल्तान कर सकता है वो ओपनिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। उनकी भी शायद ख्वाहिश होगी कि उन्हें फखर दवान मिल जाए, बट लेट सी कि वो किसको पिक करते हैं, जबकि उनके पास शान मसूद और खुशदिल शाह, शाहनवाज दानी और सैयद मकसूदी मौजूद हैं। कराची में बाबर आजम मौजूद हैं, इमाद वसीम, शर्जील खान, आमिर अमीन, मोहम्मद इलियास, फास्ट बॉलर इनको चाहिए जनाब तगड़ा, तो टाइमर मिल्स और मुझे लगता है कि क्रिस जॉर्डन के ऊपर की नजरें होंगी। पेशावर के तो 8 की 8 आपको रिटेंशन पता है, ज़्यादातर फॉरन प्लेयर्स हैं तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स पर ज़्यादा इंसार करेंगे और फखर जमान इनकी गाइडेंस चॉइस हो सकते हैं, या फिर उस्मान कादिर भी, शाहीन शाफीदी, राशिद खान, डेविड बीसी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज, सहेल अख्तर, निशान अशरफ, अहमद दानियाल। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज नीचे भी खेल रहे हैं, तो उनके साथ एक उनको ओपनर प्लेयर चाहिए। अब वो किसको पिक करते हैं, ओपनर की इनको जरूरत जरूर है, तो मुझे लगता है कि इसलिए फखर जमान शायद इनकी पहली पिक भी हो सकते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स, जेम विंस, सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद भी आ गए, शाहिद अफीदी, ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, हसनैन, नसीम शाह, शाहिद अफीदी, तो एक अच्छे स्पिनर की जरूरत इनको हो सकती है नवाज के साथ, और एक अच्छा कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो कि फ्यूचर का इनको मिल जाए। शर्मन हेडमायर भी इनकी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दूसरा शायद अगर इनकी इनकी दफा तक पिक बची तो ये भी क्रिस जॉर्डन या टाइमर मिल्स को तो जरूर ही लेना चाहेंगे। मिल्स वैसे पहली मरतबा खेले भी क्वेटा ग्लेडिएटर से ही थे, आपको याद होगा। तो जनाब ये है अब तक की ड्राफ्ट की अपडेट, जो लाइकली फर्स्ट पिक्स है मैंने बता दी आपको। आप सबकी क्या राय है जरूर बताइए, और फिर हमेशा की तरह आप सबसे दरख्वास्त कि प्लीज वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर कहाँ कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में विद मैसेज के सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, और इसी तरह फिर आप सब जो है वो जरूर इसको ट्वीट पे भी और फेसबुक पे डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। रात को बाय द वे नेशनल स्टेडियम कराची से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की जो ट्रेनिंग हो रही होगी नाइट सेशन में, उससे आपको अपडेट दूंगा। सो रात में मुलाकात होती है नेशनल स्टेडियम कराची से एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ।